धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने थाने में जमा किए गए अपने लाइसेंसी हथियार को वापस मांगा है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में निर्वाचन अधिसूचित होने के कारण निजी लाइसेंसी हथियार प्रशासन द्वारा स्थानीय थाने में जमा करवा दिए गए हैं। रविवार 15 अक्टूबर को भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गिरी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। मृतक की पूर्व में हत्या की कोशिश हो गई थी जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई थी किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ साथ मेरे रायपुर और कुरुद आवास की अज्ञात लोगों के द्वारा रेकी की जा रही है जिसकी सूचना मैंने प्रशासन को दी मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि उनकी निजी लाइसेंसी हथियार स्वयं की सुरक्षा हेतु चुनाव तक वापस दिलाएं तथा कुरुद विधानसभा के सभी मतदान केंद्र को अति संवेदनशील घोषित किया जाए। आज मरौ गाँव में भारतीय जनता पार्टी के बूथ पालक श्री चंद्रशेखर गिरी जी की हत्या हुई थी। उसके साथ पहले भी मारपीट की घटना हुई थी जिसकी सूचना कुरुद पुलिस को थी और मैंने खुद एसपी धमतरी जिला को इसकी सूचना दी थी लेकिन अपराधियों के खिलाफ और ज्ञात लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिसका परिणाम यह निकला कि आज उसकी जघन्य हत्या हुई। मेरे कुरुद और रायपुर घर के भी रेकी की गई है जिसकी सूचना मैंने छत्तीसगढ़ के गृह सचिव को डीजीपी को और धमतरी जिले के एसपी को दी है लेकिन आज पर्यंत तक मुझे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई कि मेरे इस सूचना पर क्या कार्रवाई की जा रही है। कुरुद में प्रतिबंधित होने के बाद भी रेत के माफिया, नशा के माफिया, जमीन के माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं और उसको धमतरी पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। रायपुर के अपराधी आकर बेखौफ मर्डर कर सकते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि कुरुद क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है। और मेरा यह कहना है कि यदि गंभीरता से जांच की जाए मुख्य आरोपियों के मोबाइल की तो कांग्रेस के लोगों से क्या क्या कब कब बात की है, किस विधेयक में कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण चाहा है ये स्पष्ट हो जाएगा। मैंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अपने निजी हथियार की मांग की है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और मुझे धमतरी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही तो मेरी भी हत्या हो सकती है अपराधियों के द्वारा, इसलिए मेरे निजी हथियार वापस किए जाएं। और यदि अब दोबारा घटना घटती है तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। हम प्रशासन को यह बात बता देना चाहते हैं और मैं निर्वाचन आयोग को अपने इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि धमतरी के वर्तमान एसपी, कुरुद के वर्तमान एसडीओपी, कुरुद थाना, बकारा थाना एवं धीरेझर बड़े करेली में जो चौकी है उसके प्रभारी जब तक रहेंगे तब तक भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव संपादित नहीं हो सकता। कांग्रेस के साथ और अपराधियों के साथ इनकी मिलीभगत है। इनका काम जुआ सट्टा खेलवाना है, इनका काम अपराधियों को संरक्षण देना है और ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं फिर से माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और भारत सरकार के आयुक्त से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मांग करता हूँ कि कुरुद क्षेत्र क्रमांक 57 छत्तीसगढ़ में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए यहाँ के पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से हटाकर नए व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भाजपा।